और तो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं दीपंकर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सैयद दीपंकर। मैं दीपंकर करता हूं आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल सैयद दीपंकर में बहुत बहुत स्वागत। और फिर से लीजा लवबर्ड फार्म की आमिर भाई को बुलाया लवबर्ड के बारे में बहुत अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करने के लिए। आमिर भाई प्लीज बैठिए भाई। और फिर से पॉक्स का बारे में, लवबर्ड का जो पॉक्स होता है उसके बारे में आमिर भाई के पास से फिर से हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सब जानेंगे। तो आमिर भाई बताइए कि लवबर्ड के बारे में, मतलब इससे पहले भी तो आपके साथ मेरा एक वीडियो है, वो वीडियो बहुत लोगों का बहुत हेल्प हुआ। आंखों का जो प्रॉब्लम होता है उनके लिए आपने जो वीडियो बनाया था वो वीडियो देख के बहुत लोगों ने ऐसे अप्लाई किया उसी ट्रीटमेंट को और बहुत अच्छा रिजल्ट भी वहां से मिला। आज पॉक्स के बारे में आप बताइए सारे व्यूअर्स को। और उसके साथ नूरुद्दीन भाई भी आज आए हैं, प्लीज दादा आइए और बैठिए। सैयद दीपंकर यूट्यूब चैनल का सारे व्यूअर, सारे सब्सक्राइबर, सारे फैंस के लिए लवबर्ड के बारे में इंटायर, मतलब सिर्फ पॉक्स के बारे में नहीं, अगर कोई लवबर्ड घर में रखना चाहते हैं तो वहाँ से कैसे अर्निंग हो सकता है, एज ए प्रोफेशन कैसे वो ले सकते हैं और सही से कैसे केयर ट्रीटमेंट कर सकते हैं ताकि बहुत ही अच्छा ब्रीडिंग हो और इतना आसानी से कोई बीमारी भी ना हो, इन सब के बारे में थोड़ा सा बताइए। 100 पेयर 150 पेयर ऐसे ऐसे करके लवबर्ड रखे हैं, लाखों, मतलब हजार कहेंगे तो भूल होगा, लाखों अर्निंग होता है वहाँ से। लवबर्ड का पॉक्स, ये जो पॉक्स है ना, ये एक ऐसा बीमारी है जब कोई बात तो होता है पूरे फार्म में हो जाएगा, पूरा फार्म में, अगर फार्म में अगर एक बार पॉक्स आ गया है वायरस, पूरा फार्म में, पूरा जितना बर्ड्स रहेगा लवबर्ड रहेगा सबका पॉक्स आ जाएगा, हो जाएगा, बहुत खतरनाक है, मर भी सकते हैं। वो जो चोंच है, चोंचों के ऊपर हो जाएगा, आंखों का साइड हो जाएगा, पिंपल्स जैसे होता है छोटा छोटा। पहले देखिए जो पैर है, पैर है, लेग लेग में आता है, हाँ हाँ, वो उंगली का ऊपर एक जख्म टाइप का होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, घाव टाइप का हो जाता है। उसके बाद कोई भी ऐसे सोचता है बार्ड्स काट लिया, लड़ाई हुआ या दूसरा कोई बार्ड उनका पैर में काट लिया, ये सोच लेते हैं, लेकिन वो पॉक्स होता है येलो टाइप का, खुल जाएगा, येलो टाइप खुल सा जाएगा धीरे धीरे। अच्छा, उसके बाद उसको बात क्या की, सिर्फ पैर में होता है या पूरा बॉडी? पैर में होता है, आंखों में होता है, चोंच है, चोंच का साइड में भी होता है। अच्छा अच्छा, जो लोग नया है उनको तो पता नहीं चलेगा। 20 साल मेरे पास हुआ, मैं प्रैक्टिकली ट्रीटमेंट किया, उसमें सक्सेसफुल रिजल्ट मिला। और नूरुद्दीन भाई के पास मैंने गया था, नूरुद्दीन भाई इसको कैसे केयर करना चाहिए, दोनों बैठ के आइडिया लिया। नूरुद्दीन भाई और मैं दोनों बैठ के जो आइडिया लिया वही आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। अगर किसी के पास पॉक्स हो गया है, आपने तो बताया सिम्टम के पैर में होगा, ऐसे घाव जैसा हो जाएगा, लाल टाइप का, ऐसे योलिस टाइप का कुछ हो जाएगा, पिंपल्स टाइप का कुछ हो जाएगा, उसके बाद चोंच का बगल में भी हो सकता है, आंखों का चारों तरफ भी हो सकता है, बताइए अभी ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है? देखिए दादा, अगर कोई बात को हुआ तुरंत इसको पकड़ के अलग घर में ले लीजिए, अलग जगह पे, ठीक है, अगर सारा बार्ड्स को साथ मत रखिए। अच्छा ठीक है, होगा। ये जो पोटाशियम, पोटाशियम, यस पोटाशियम, पोटाशियम, इसे आप खोलिए एक बार। अच्छा जी, थोड़ा सा पानी लाइए, पानी के साथ मिक्स करना है। हाँ, ये देखिए, ये जो पोटाशियम परमैंगनेट कहते हैं, ब्लू कलर, क्या कहूँ, वायलेट कलर का हो जाता है, वायलेट कलर पानी में मिलाने के बाद, थोड़ा सा पानी लाइए। और देखिए, ये जो पोटाशियम है, अगर कोई बात का पैरों का अंदर हुआ, उंगली का पास, ठीक है, आप इतना सा थोड़ा बहुत ले लीजिए, थोड़ा पानी ले लीजिए, थोड़ा पानी लेने के बाद पोटाशियम पानी के साथ मिक्स कीजिए और उसमें डेटॉल, डेटॉल, हाँ डेटॉल थोड़ा दे दीजिए, ऐसे ही प्लेन पानी या प्लेन हल्का उबला हुआ गर्म पानी, प्लेन पानी, अच्छा प्लेन पानी, उसमें क्या कीजिए आप डेटॉल दीजिए, जितना पानी के साथ पोटाशियम, हाँ थोड़ा थोड़ा, मतलब कितना पानी के साथ बताइए, कितना ml, 100 ml, 10 ml पानी के साथ, 10 ml का आप इतना सा, इतना क्वांटिटी का, इतना क्वांटिटी का, इतना क्वांटिटी का पोटेशियम परमैंगनेट मिक्स करना है। उसके बाद 2-3 ml डेटॉल दीजिए, 2-3 ml डेटॉल, उसके बाद एक कॉटन लीजिए, तुला, तुला का साथ एक जगह पे उनमें मिक्स करके जहाँ हुआ लगा दीजिए, हर दिन जहाँ हुआ बात को सोच लीजिए, पैरों का अंदर, उंगली का पास हो गया और चोंच पे हो गया, धीरे से देखिए आंखों का नहीं लगना चाहिए, आंखों खराब हो जाएगा, ठीक लगे बात का कोई बीमारी वगैरह होगा तो भाई इसको थोड़ा सा। और ये रहा पानी, हाँ पोटाशियम परमैंगनेट यहाँ मिक्स करना है। और ये देखिए वायलेट टाइप का हो गया पानी का कलर, देखिए वायलेट कलर हो जाएगा पूरा का पूरा, हाँ पूरा के पूरा वायलेट। और इसके साथ हमको मिक्स करना है डेटॉल, और उसके साथ मतलब नीम का पत्ते से उबला हुआ पानी थोड़ा सा लेके एक साथ मिक्स करना है, और इसको कॉटन में लेके जहाँ हुआ है, जहाँ दिखाई दे रहा है वो सारा पॉक्स, वहाँ ऐसे ऐसे करके लगाना है। वो कितना दिन? 15 दिन। जो सारा लवबर्ड का पॉक्स हुआ है उन सबको अलग कर लेना है, उसके बाद पोटाशियम परमैंगनेट, उसके साथ डेटॉल, उसके साथ नीम का पत्ते से उबला हुआ पानी थोड़ा सा मिक्स करना है, और कॉटन तुला बंगाली में कहते हैं उसे लेके जहाँ हुआ है, आंखों का चारों तरफ अगर हुआ है तो वहाँ भी लगाना है, पैरों में हुआ है तो वहाँ भी लगाना है, चोंच का चारों तरफ हुआ है तो वहाँ भी लगाना है, जहाँ जहाँ होगा वहाँ लगाना है। लेकिन एक चीज
ध्यान में रखना है कि आंखों में ना जाए। तो बात क्या कीजिए, आप बात को हफ्ते में दो दिन नहा दीजिए, नीम का पत्ता उबाल लीजिए, ठंडा कर लीजिए पानी। अच्छा, उसके बाद उसमें सोच ले एक लीटर पानी है, 4-5 ml डेटॉल दीजिए। अच्छा, थोड़ा बहुत पोटेशियम दे दीजिए, उसको अच्छे से पंपिंग करके मिक्स कीजिए। मतलब वो जो स्प्रे होता है, मशीन होता है सैलून में जो हम लोग यूज करते हैं ना कभी कभी, मतलब जो देते हैं, बात को अच्छा से गीला कर दीजिए, शरीर को अच्छे से गीला कर दीजिए, पूरा भिगो देना। हफ्ते में दो दिन किया, कम से कम 15-20 दिन करना चाहिए। उसके बाद कुछ मेडिसिन खिलाना चाहिए, कुछ तो मतलब एक मेडिसिन है, ज्यादा नहीं है। अच्छा, और देखिए वो जो मेडिसिन है वो भी मैं लेके आया, प्लीज दिखाइए। ये है जिबोरॉक्स। जिबोरॉक्स, वाओ, आमिर भाई सब साथ में लेके आया। मतलब पोटेशियम परमंगनेट और डेटोल तो आप सभी पहचानते होंगे शायद, डेटोल जो एंटीसेप्टिक होता है वो, और नीम का पत्ता वो, उसको पानी में उबाल लेना है, और उसके साथ ये जो मेडिसिन है ये बोलो। हाँ, तो इसे कैसे खिलाना है? ये बहुत क्वालिटी होता है, 200 होता है, 400 होता है, 800 होता है, इसका जो पावर होता है 400 mg का। हाँ, यहाँ लिखा है टेबलेट्स IP 400 mg, ठीक है, ZOVIRX जोबीरा टेबलेट और IP 400 mg, ये लेना है। अगर ये लेने का बाद एक लीटर में एक लीटर पानी में एक टेबलेट, एक टेबलेट, एक लीटर पानी में एक, आपको कंटिन्यू 15 दिन करना है। अच्छा, 15 दिन सुबह से लेकर रात तक पानी खाएगा 15 दिन, उसको बाद थोड़ा थोड़ा जो जख्म वगैरह है सूखना शुरू होगा। उसको बाद क्या कीजिए, जो सेपा एक मेडिसिन होता है, सेपा, वो डिस्प्ले में ये है सेपा, वो आप का टाइम जो सोच लीजिए, एक कप पानी दिया उसमें 6-8 कतरा दीजिए, 6-8 कतरा दीजिए, 100 ग्राम पानी आप एक बार प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें 6-8 कतरा दीजिए, वो कंटिन्यू 10 दिन करना है। उसको बाद मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको, जो वो जो बॉक्स वगैरह हुआ है ठीक हो जाएगा, मैं 100% में कहूँगा। आमिर भाई लीजा लबर्ड फार्म, अगर आपने अभी तक आमिर भाई का चैनल नहीं विजिट किया है तो मैं कहता हूँ कि आमिर भाई का लीजा लबर्ड फार्म चैनल में जाइए, ऐसे बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव ऐसे के प्राइसिंग के बारे में भी आमिर भाई वहाँ शेयर करते हैं कि कौन कौन सा लबर्ड का क्या प्राइस होता है, क्या लेना सही होता है, और यहाँ से अर्निंग मतलब कैसे होता है, सबके बारे में आप लोगों को पता चल जाएगा। और लबर्ड तो बहुत प्यारा बर्ड्स होता है, एक्चुअली मेरे बड़े टाइप का बर्ड्स है, और लबर्ड के लिए थोड़ा ज्यादा मतलब हाइजीन मेंटेन करना पड़ता है, एकदम साफ सुथरा रखना पड़ता है, और यहाँ तो बाहर बाहर से बहुत लोग आते हैं इसलिए हाइजीन उतना ज्यादा मेंटेन कर नहीं पाता हूँ। मेरे भी सोच है लबर्ड करूंगा, लेकिन सेपरेट एक जगह में मैं करूंगा, इसलिए ऊपर मेरा छत का ऊपर वहाँ एक सेट बनेगा, वहाँ बनाएंगे लबर्ड का फार्म, तभी और भी ज्यादा एक्सपीरियंस हमको भी हो जाएगा, आप सभी के साथ वो भी शेयर करेंगे। फिलहाल अभी जो जाना, इससे पहले तो आंखों का जो प्रॉब्लम होता है उसका ऊपर एक वीडियो है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर यहाँ आई बटन में मैंने लिंक दे दिया है, अब जाइए इस वीडियो को देखिए, आंखों का प्रॉब्लम के बारे में उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी पता चल जाएगा। और दूसरा जो है बीमारी लबर्ड का, सबसे भयंकर जो बीमारी होता है पॉक्स, उसके बारे में भी आमिर भाई ने एकदम खुलासा करके क्लियरली बोल दिया, और गारंटी के साथ बोला 100 नहीं 200% एकदम सही हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा देखिए, मैं तो प्रैक्टिकली घर पे किया, उसके पास में 100% नहीं है, 200% में सक्सेस। अगर आपके पास लबर्ड है तो मतलब क्या कहूँ, अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो जरूर कीजिए ऐसे, एक कार्टन को लेके ऐसे जो मिक्स कर करके हम लोग तैयार करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट डेटोल और नीम का पत्ते से उबला हुआ पानी, वो लगाने के बाद वो कार्टन हम लोग को फेंक देना है, दूसरा कार्टन फिर से थोड़ा सा नया कॉटन का टुकड़ा लेना है, उसे लेके दूसरा बाट को लगाना है, फिर से उसको फेंक देना है, तीसरा बाट के लिए फिर से थोड़ा सा कॉटन लेना है, उसको फिर से भिगोना है, फिर से साफ करना है, ऐसे ऐसे मतलब हर एक बाट के लिए एक कॉटन का टुकड़ा। ठीक है समझ गया। अगर कोई लबर्ड ब्रीडिंग को एज ए प्रोफेशन लेना चाहते हैं तो वहाँ से कितना अर्निंग हो सकता है? अगर आप फर्स्ट टाइम है तो डायरेक्टली लबर्ड में मत आइए, पहले कॉकाटेल बजिस में आइए, क्योंकि लोगों के लिए इतना ज्यादा हाइजीन मेंटेन नहीं करना पड़ता है, ऐसे ही आप कहीं भी रख देंगे तो वहाँ आराम से रह लेगा, कुछ भी खाना देंगे तो खा लेगा, और ब्रीडिंग भी अच्छे से कर लेंगे। लेकिन लबर्ड बहुत ही सेंसिटिव होता है, आंखों का जैसे प्रॉब्लम होता है, पॉक्स का बीमारी होता है, और ठंड लग जाने से आंखों का जो फिशर ग्रुप का जो होता है, आंखों का चारों तरफ व्हाइट एक सर्कल रहता है, वो वहाँ फूल से जाता है, बहुत मतलब थोड़ा सा मेंटेन करके रखना पड़ता है। और मेरा यहाँ तो जैसे बाहर से बहुत लोग आते हैं, ये भी करना नहीं पड़ेगा, अब लबर्ड के फार्म का अंदर जाएंगे तो जो पैंट पहन के, जो शर्ट पहन के, जो शू पहन के बाहर से घूम के आए हैं वो उतार के नया मतलब साफ सुथरा होके वहाँ अंदर जाना पड़ेगा, तो वो करना नहीं चाहिए। फिर भी अगर किसी ने स्टार्ट किया लबर्ड तो उनके लिए, अगर समझिए 10 पेयर फिशर ग्रुप का कोई लबर्ड किसी ने रखा, तो इसका ऊपर आप कैलकुलेट करके बताइए कि साल में वो कितना अर्निंग कर सकता है, हो सकता है। देखिए अगर आप लबर्ड का बहुत क्वालिटी होता है, आप हमेशा के लिए फिशर ग्रुप का पालिए और मास ग्रुप का पालिए, हर साल में उसको डिमांड रहता है मार्केट में, चाहिदा रहता है,
जहाँ बोलेंगे हाँ रोजी का उतना नहीं रहता। नहीं नहीं नहीं, जहाँ बोलेंगे आप तब सेल कर सकते। अच्छा अच्छा, सोच लीजिए आप 10 पेयर ग्रीन फिशर पाल लीजिए, उसको ग्रीन फिशर हाँ मार्केट में प्राइस जो है 1500 करके अभी हाँ एक साल में। आप मेरे पर घर में क्या होता है, मैं जैसे रिजल्ट करता हूँ, मेरे घर में 6 भी होता है एक बार, सबसे कम पकड़ लीजिए कितना होता है, 3 होल लीजिए मिनिमम, 3 6 तक होता है हाँ। वो तो बहुत अच्छी बात होगा हाँ। लेकिन सबसे कम अगर एक क्लास में बच्चा होगा एक ईयर लवबर्ड का 3 सबसे कम। अच्छा, साल में 3 बार रिजल्ट होता है तो 3 × 3 9 9 पीस 6 हो रहा है हाँ। प्लस 1 10 हाँ। 10 पकड़ के हम लोग चल सकते हैं, 10 पकड़ सो लीजिए, 10 हिसाब करने में सुविधा होगा हाँ। 10 पकड़ लीजिए एक पेयर से 10 पीस तो 10 पेयर से 100 पीस मतलब 50 पेयर हाँ। 50 पेयर तो 50 पेयर इंटू कितना करके सेलिंग प्राइस होगा 1500 इंटू 50 पेयर मतलब 75,000 वहाँ से काट के निकाल दीजिए, कितना खाएगा और बीमारी होगा, मेडिसिन मल्टीविटामिन कैल्शियम निकाल लीजिए 25 रहा कितना 50,000 हाँ। और 50,000 डिवाइडेड बाई 12 मतलब 4,160 ऐसे कुछ होगा पर मंथ। अगर आपके पास 10 पेयर लवबर्ड अब रखेंगे तो हर एक महीना आपको 4,160 ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो अगर 6 करके ज्यादा होगा, कम नहीं होगा, ज्यादा होगा, कम नहीं होगा, ज्यादा हो सकता है। अच्छा, क्योंकि ग्रीन फिशर का जो अंडा होता है उसको जो चिक्स होता है ना हाँ। ग्रीन फिशर हर टाइम नहीं निकलता है, उसका अंदर से ब्लू मास निकल जाता है, कोबल मास निकल जाता है, कभी कभी लुटने फिशर भी निकल जाता है ठीक है। ज़्यादा बिजनेस का फायदा यही है जो ग्रीन फिशर से डिफरेंट डिफरेंट हाई म्यूटेड बार निकल आता है बहुत, फिर भी अगर ऐसे ही चलेगा सिर्फ ग्रीन फिशर ही निकलेगा पकड़ लिया हाँ। फिर भी 10 पेयर के ऊपर 4,160 और आपने जैसे बताया 1500 का भी लवबर्ड का पेयर है और 15,000 का भी हाँ, है हाँ, हाँ, अगर आपने 15,000 का कर लिया मतलब 1500 × 10 तभी जाके होता है 15,000 15,000 तो 10 टाइम्स बढ़ा दीजिए 4,160 × 10 इक्वल टू 41,600 आप हर महीना अर्न कर सकते हैं 10 पेयर लवबर्ड का जो थोड़ा कॉस्टली लवबर्ड होता है उसका ऊपर आप ब्रीडिंग कराएंगे तो 41,600 तक आप अर्न कर सकते हैं पर मंथ। सबसे कम होगा फिशर ग्रुप का 1500 करके हम लोग पकड़ेंगे तभी 4,160 मतलब। अच्छा, यहाँ नुकसान भी हो सकता है ऐसे ऐसे हाँ, कुछ हाँ, घटना है कि मेरे भी हुआ था हाँ। मैं जब नया शॉटिंग था बात लेकर आया था हाँ। मेरे पास पैसा था और फार्म में लेकर आया था 30-35 किया हाँ। लेकर आने के बाद क्या होगा, जो आंखों का प्रॉब्लम हो गया होने का थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तो हाँ, मुश्किल हाँ, है लब बढ़ने। बोल रहा हूँ शुरू से बजिस पाल लीजिए, कॉकटेल पाल लीजिए, कॉकटेल तो बहुत बढ़िया है, कॉकटेल का तो दीवाना हूँ मैं, मतलब उन लोगों का बिहेवियर एटीट्यूड जो होता है एकदम क्या कहूँ जबरदस्त होता है, हमको तो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और हर एक घर घर में कॉकटेल रखे हैं। लेकिन लब्बड़ भी छोटा है लेकिन बहुत खूबसूरत दिखने में बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है लब्बड़ का, हाइजीन बहुत ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है। अब हाइजीन नहीं मेंटेन करेंगे तो मतलब लब्बड़ करना मुश्किल होता है। तो यहाँ से जो निकल के आता है, अगर आपको देखिए दाना पानी एक बार तो सेम ही खाएगा बिल्कुल, अगर मतलब जो खाएगा हाई कॉस्टली जो वायलेट वगैरह वगैरह बहुत सारे टाइप का है तो उनका भी खाना का जो खर्चा है वो तो सेम रहेगा, लेकिन प्राइस इतना वेरी करता है। यही एक स्पेसीज है बार्ड में जिसका सेम खाता है मतलब खर्चा सेम होता है लेकिन अर्निंग 10 गुना ज्यादा हो सकता है 10 गुना कम हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपका इन्वेस्टमेंट का ऊपर। लेकिन मैं दीपंकर सारे व्यूअर्स को कहना चाहूँगा कि थोड़ा नीचे से स्टार्ट करना ही सही है, क्योंकि एक बार से आप जाएंगे इतना हाई प्राइस में अगर कुछ हो गया समझो तो तभी मुश्किल हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा पहले स्टार्ट कीजिए बजीज कॉकटेल ये करके, उसके बाद चले जाइए लवबर्ड में, अर्निंग सोर्स ऑफ अर्निंग ढूंढना है, अच्छा अर्निंग करना है यही में बोलना है। तो बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला आमिर भाई लीजा लवबर्ड फार्म की तरफ से। तो मैं सारे व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करूंगा लीजा लवबर्ड फार्म चैनल में जाइए, विजिट कीजिए, सारे वीडियोस को वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ और लीजा लवबर्ड फार्म को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए। आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी जाके आमिर भाई और ज़्यादा इंस्पायर हो जाएंगे और भी ऐसे अच्छा अच्छा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। तो इस वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा
और अपने सारे फ्रेंड से उन लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद देखिएगा उसका बगल में एक बेल आइकन भी अपेयर हो जाएगा, वहाँ भी दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम जब यूट्यूब में मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन भी डायरेक्टली आपका मोबाइल या कंप्यूटर तक पहुंच जाएगा। और तो आज का वीडियो यहीं खत्म होता है और वीडियो खत्म करने से पहले नूरुद्दीन भाई का तो एक पेट शॉप है, तो अगर आपको बार्स लेना है तो नूरुद्दीन भाई के साथ आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9696793040406636। तो कॉन्टेक्ट कीजिए। और फिर से एक बार कहना चाहूंगा आमिर भाई का चैनल को लीजिए लव बर्ड फार्म, हर एक वीडियो देखता हूँ, लव बर्ड के बारे में काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ से हमको मिल जाता है। तो आज का वीडियो यहीं खत्म होता है, फिर मिलेंगे किसी नया वीडियो नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।